Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. Vlog की शुरुआत हो रही guys घर से. दोपहर के बज रहे हैं 2, तो good afternoon all of you guys. भाई गाइस, मैं जस्ट अभी नहा धोके रेडी हुआ हूँ. बस चेंज वेंज किया मैंने आराम से, घर का सारा काम कर लिया और जस्ट अभी मैंने कपड़े धुले थे सारे, डाले मैंने धुल के रख दिए. बारिश का मौसम हो गया तो मैंने ड्रायर कर दिया कि बारिश होने वाली है तो ड्रायर कर दे, जल्दी सूख जाएं कपड़े. और कुछ अभी खाया वाया भी, चलते हैं नीचे आराम से मस्त अपना खाना वाना निकालते हैं. और बाकी आज थोड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है, तो प्रॉब्लम वो क्या बताएंगे आपको नीचे. बाकी मौसम दिखाते, बारिश तगड़ा मौसम हो रहा है. अब ये चक्कर है गाइस, पूरा एकदम बारिश वाला मौसम. भाई साहब क्या क्लासी मौसम हो रहा है. ऐसे में करा मन निकलने जाने का कहीं, बड़ा जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. रीजन क्या उसका, चलता हूँ नीचे बताता हूँ क्या बात. गाइस यार मैं आ चुका हूँ नीचे, और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था प्रॉब्लम आज ये हो गई है क्योंकि एलेक्स आज मॉर्निंग में वॉक करने गया था तो उसके पैर में थोड़ी सी चोट आ गई है और थोड़ा सा वो चलने में दिक्कत कर रहा था. आगे वाला हाथ है उसमें जर्क आ गया है, तो एकदम से चलते चलते उसका पैर स्लिप हो गया और या उसको पेन हो रहा है तो या उसको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा. तो मैंने कॉल किया, डॉक्टर शायद शाम तक आएगा, खाएंगे उसको. तो यार ये भी एक समस्या हो गया मेरे लिए, मुझे बड़ा खराब लग रहा है. नहीं और जरा उसके पेन है, दिखाता हूँ आपको. सो रहा है आराम से वो और ज्यादा उठ भी नहीं रहा, सिर्फ नींद में है. खाना पीना उसने खा लिया, बढ़िया चक्कर है, सो रहा है वो. ज्यादा उसको बुला रहे ना तो भी जग नहीं रहा. ये वाला हाथ में दर्द है, ये वाला पेन है ना साले हाथ में. अच्छा ठीक है, सो जाओ. कुछ अपना खाना खा रहा है, टीवी चल रही है. हम भी चलते ना मस्त खाना निकालते हैं. इतने खाने में क्या क्या बनाया, चेक करते खाने में क्या है. इधर अपने पास दाल है, इधर तो की सब्जी, इधर दूध रोटी, इधर चावल. हम तो दो चीज खाएं खाली, सब्जी रोटी, ना दाल ना चावल ना कुछ. चावल तो मैं खाता नहीं हूँ और सब्जी रोटी खा लेंगे. तो फटाफट गाइस खाना निकालते, भूख बहुत जोर की लगी यार, खाना नहीं खाया. फटाफट खाना निकालते गाइस, फिर आपसे बात करते. अपना खाना हो चुका है रेडी, चलते हैं मस्त अंदर बैठ के खाना खाते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं. यार मैंने अपना खाना निकाला तो दिखाएगा आप, जैसा आपको ये रे तुरई सब्जी रोटी, मस्त यही खाते हैं आज खाने में. सब्जी मेरी तुरई का फेवरेट है यार, जब भी तुरई सब्जी बनती है ना मैं से रुका नहीं आता भाई. मैं तो भाई बेस्ट सब्जी है, मुझे ये जितनी मिल जाए मैं उतना खा लूंगा. मस्त हो रही बात यार. चलिए बढ़िया, अपना मस्त खाना वाना खा लिया. खाना खाने के बाद समझ सकते होंगे कि मैं क्या खाता हूँ, काफी लोगों को नॉलेज हो गया होगा तो आप समझ ही होंगे. हियर इट इज गाइस, दही. तो थोड़ी दही निकालते हैं, आ चुकी है अपनी मस्त ठंडी ठंडी दही. ये चेक करें, दही देख के जग गए, इतनी देर सो रहे थे, जहां दही निकाली मैंने अब जग गए. हमेशा कहता हूँ कि आप पर दही जरूर, तो खाना खाओ जरूर खाया करिए, मतलब डाइजेस्ट के लिए पेट के लिए सही रहता है भाई. मैं तो हमेशा खाता हूँ. मजा आ रहा भाई. हमको भी चाहिए, अच्छा इनको दे देते भाई. अब देख रहे अच्छा लगता है, मैं खा रहा हूँ अकेले, देखता है देते हैं आपको भी देते हैं. सर चलिए हमने बढ़िया अपना खाना वाना खा लिया, दही वगैरह खा लिया, आराम से बैठ के देख रहा था मैं बिग बॉस थोड़ी देर. और इतना बढ़िया बिग बॉस चल रहा है इस टाइम. आज सुबह देखा आपने, आज तो गाइस आप लोग पता भी होगा, काफी लोग जो दिल्ली से देख रहे होंगे उनका तो आज मीटअप भी है दिल्ली में बहुत बड़ा, जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं. हर्ष बेनीवाल, UK07 राइडर, लक्ष्य चौधरी, पूरव झा और पैराडॉक्स, MC स्क्वाड जितने सिंगर है हरियाणा के, फाजिल पुरिया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई. आज तो बहुत तगड़ा मीटअप होने वाला अली शादब का भाई, मजा आ जाएगा यार उसको तो. और ऐसे मीटअप में जाने वाला होता है ना, जब इतने सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं आपको एक साथ देखने को मिले, ऐसा लग समझिए पूरा फैन फेस्ट की तरीके से हो गया, यूट्यूब फैन फेस्ट की तरह हो गया. और जाने का मौका मिलता, मजा आता यार. मैं तो जा नहीं पाया, ऐसा मुझे पता होता है सच कुछ ऐसा तो शायद मैं जाता. एक्चुअली पापा गए हुए दिल्ली तो यार मैं भी उनके साथ चला जाता अगर ऐसा कुछ पता होता मेरे को तो. बट मेरे को तो आज ही पता चला और आज ही उनका इवेंट है शाम के 5 बजे. भाई 3 बज रहा है अभी, क्या हालत होगी कुछ पता नहीं भाई, बहुत बुरा हाल होगा, बहुत तगड़ा भाई मीटअप होगा. इतने सारे क्रिएटर समझ सकते हैं कितने पब्लिक आई, कितना कुछ होगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा, मजा आ जाएगा. जाने वाला था काश यार मैं होता जाता, बट आप लोग देखिएगा बताइएगा, जो जो वहां से देख रहे हो मुझे कमेंट करिएगा कैसा लगा बताइएगा मेरे को. चलो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, अपना आराम से थोड़ा बिग बॉस देख रहा था, थोड़ा बिग बॉस देखते हैं पूरे निपटाते हैं, फिर मिलते थोड़ी देर में. बैठ के जिसमें बिग बॉस देख रहा था और अभी फोन आया, मेरा पार्सल आ चुका है. तो मेरे पार्सल में क्या आया दिखाते हैं आपको, चलते पहले अपना पार्सल ले लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं. टेंटड़ा है गाइस, फाइनली मेरा पार्सल आ चुका है. इस पार्सल के अंदर क्या है चलते हैं खोल के पूरा दिखाते हैं आपको. एलेक्स कहले भी हो गया, अब वो आपका नहीं है मेरा पार्सल है. चलिए गाइस दिखाता हूँ क्या पार्सल में है, खोलता हूँ उसको फिर मिलते हैं. चलिए फाइनली बस सेटअप पर लोग आ चुके हैं अपना अनबॉक्सिंग वाला, साथ हमारा एलेक्स भी है, पता नहीं फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा. तो चलिए सब खोलते हैं दिखाते इसमें है क्या. तो गाइस यार ये मैंने मंगाया, तो मैंने मंगाया इसमें ये चेक कर सकते हैं गाइस, ये मेरी फेस क्रीम गाइस, ये मेरा फेस टोनर और ये मेरा फेस वॉश. तो मैं ये 3 चीजें यूज करता हूँ, ये फेस वॉश, ये टोनर और ये क्रीम. तो आप ये 3 चीजें देख लीजिए, आपको अगर अच्छी लगे मंगा सकते हैं, मुझे तरह सही लगती है, मुझे सूट करती है, मैं तो गाइस ये यूज करता हूँ. बाकी अगर आपको अच्छी लगे तो आप मंगा सकते हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, जस्ट लाइक मुझे मतलब मैं यूज करता हूँ, मुझे दिखाना था आपको मैं दिखा दिया. अगर आपको लगे कि मैं क्या यूज करता हूँ, सिंपल बस मैं ये यूज करता हूँ, कुछ फालतू एक्स्ट्रा यूज करता तो मैंने आपको दिखा दिया. अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं. चलते हैं इसको हटाते हैं पूरा अपना सेटअप पूरा, बाकी चलते हैं ऊपर, बारिश होने वाली, कपड़े रखने के लिए सॉरी, उनको उठा के लाते हैं.
चलिए चलते हैं छत पे, अपने सारे कपड़े उठाते हैं, सब जितने सूख गए यहाँ भी उठा लेते हैं, गैलरी में देखते हैं। यहाँ पे जीन्स सूख गई है, मम्मी के सूख गए, मम्मी को उठा लेते हैं, अपने भी सूख ही गए हैं, हल्के हल्के हैं, तो चल जाएंगे, सबको उठा लेते हैं, मौसम एकदम बढ़िया हो गया, बारिश हो, तो चलते नीचे ले चलते कपड़ों को, आराम से तहाते हैं। जब ये चेक करें, मैंने अपने कपड़े तहा दिए, जो ऊपर से लेके आए थे सूख गए, चलते इनको अलमारी रख देते हैं, अपने अलमारी से निकालते हैं हम लोग, जब भी जाना होता है ये रख दिए अपना साफ कपड़े सारे, जब भी जो जाना होता है निकाल के पहन लेते हैं। बाकी ये टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं, मैं डॉक्टर को कॉल कर दिया है, डॉक्टर बोले अभी आधे पौन घंटे में आते हैं, अभी वो बाहर ही है, तो जैसे आएंगे एलेक्स को देख लेंगे। जब से देखिए एलेक्स उठ नहीं पा रहा बेचारा, तब से वो यहीं लेटा पड़ा यार, उसके आगे वाले पैर में काफ़ी ज़्यादा जर्क आ गया, तो यार वो चलने से बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो इंजेक्शन नहीं लगेगा तो उसको आराम मिलेगा नहीं, तो डॉक्टर फोन कर दिया, डॉक्टर कब तक आते हैं, तो जैसे डॉक्टर आते हैं फिर मिलते हैं आपको, और आई होप बस इंजेक्शन लगे तो उसको आराम मिल जाएगा। गाइस डॉक्टर आते हैं फिर मिलते हैं आपसे, जैसे डॉक्टर आएगा देखते क्या बताते हैं। क्या चलते हैं नीचे, एलेक्स डॉक्टर आने वाला है, मम्मी जी यहाँ बैठी है, हम हवा खा रही है बालकनी में, बैठो बैठो, हम चलते हैं नीचे यार, एलेक्स तैयार करते हैं, बेचारे में इंजेक्शन लगेगा यार, खराब तो लगेगा बट जरूरी है उसके लिए ना, क्योंकि वरना ठीक नहीं हो पाएगा। गाइस यार फाइनली एलेक्स इंजेक्शन लग गया, आपने कहा कितना मुश्किल इंजेक्शन लगा ना बाबू, अब वो दर्द हो गया क्या, थोड़ा सा दर्द हुआ ना, बहुत परेशान होता यार, मतलब इंजेक्शन लगाना इज द मतलब मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एलेक्स के लिए, मैं ये हालत देख लिया, मैं कैसा क्या हो गया, पसीना की गर्मी के मारे और इतना चिल्ला रहा, इतना गुस्सा कर रहा था, अंकल को बहुत गुस्सा कर रहे थे ना, डॉक्टर अंकल डर के भगा दिया, अंकल चिल्लाएगा है इंजेक्शन लगाया एलेक्स के, भाई बहुत दो इंजेक्शन लगे भाई इसके, मेडिसिन मिली है, बहुत दर्द हुआ क्या बच्चे को मेरे, बहुत दर्द हो गया भाई, वो पहचान हो गया एलेक्स, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बैठो बैठो यार, चलिए फाइनली बैठे थे काफी देर तक, बातें कर रहे थे, तो मम्मी जी हम लोग बढ़िया मस्त गरम गरम चाय बना लाई, मम्मी जी चलो चाय निकालो, यहाँ हम लोग चाय पियेंगे एलेक्स, आप भी चाय पियोगे, यहाँ भैया बिस्किट निकाल लेते हैं, बिस्किट हम लोग रखे अलमारी में, तो निकालते हैं बिस्किट, बिस्किट खाए चाय सर, ये रखा बिस्किट, यहाँ से निकालते हैं बिस्किट यार, चलिए फाइनली हम लोग चाय निकाल ली अपनी, इधर ये बिस्किट और चाय, मस्त यही खाते आराम से शाम का नाश्ता, हाथ मारो साहब भी खाओगे, कैच करो ये देखो कैचिंग कर पाते हैं, गंदू डॉगी, फटाफट चाय पीते हैं, क्लास में मिलते हैं यार, चलिए बढ़िया चाय वाय पी लिए, अब टाइम है एलेक्स वॉक कराने का, पहले भी जाते डॉक्टर के यहाँ बट एलेक्स जिद कर रहा है, तो पहले एलेक्स वॉक कराते हैं फिर डॉक्टर चलेंगे, वो चेक करें, गेट बैठ चुका है जाके, गेट पे बैठा सामने बैठा गेट के, ये तुरंत ले चलो चलते हैं, ठीक तो चलते हैं, चलते गए फटाफट एलेक्स वॉक कराने, मिलते हैं हम लोग ग्राउंड में। वॉक करा दी है, अरे देख रहे हैं गर्मी मारे हाँ पर है, हमारे हर टाइट हो चुकी है, पर हमको आराम नहीं है, हमको जाना है डॉक्टर के पास, इनका डॉक्टर पेमेंट करके आ रहा है, मेडिसिन एक दो और रह गई है, डॉक्टर का क्लिनिक लेने आके, तो चलते हैं इसको अंदर करते हैं, ये अंदर बैठेगा आराम से, हम दवा लेके आते हैं, चेंज करते हैं, निकलते हैं डॉक्टर के पास हम। गाइस यार फाइनली हम निकल चुके हैं घर से, एल एस के डॉक्टर क्लिनिक जा रहे हैं हम लोग, चल के मेडिसिन लेते हैं थोड़ी बहुत और उनको पेमेंट कर देंगे, तो फटाफट चलते हैं, भाई 8:30 बजे निकलने हैं, काफी लेट हो गया हम लोग बातें करने बैठ गए, चक्कर में काम नहीं कर पाए, लेकिन हम निकल चुके हैं बहुत से क्लिनिक, फिर मिलते हैं आप। गाइस यार फाइनली हम लोग एल एस की मेडिसिन लेके निकल चुके हैं, पेमेंट कर दिया अंकल को, अब फटाफट निकलते हैं घर की ओर, डायरेक्ट घर पहुंचते फिर आपसे बात करते हैं, मैगी वगैरह सोचे बना ले खा ले या फिर कुछ और देख लेंगे, तो जैसा भी होगा पहले चेंज वेंज कर लेते हैं फिर आपसे आराम से बात करते हैं। यार चलिए फाइनली मैंने नहावा लिया, चेंज कर लिया और खाने में क्या मैंने एक्चुअली बाहर चिप्स ले आया था एक पैकेट, आराम से बस यही खा लेंगे अपना, रात का हो जाएगा, कुछ ज्यादा खाने का मन वैसे है भी नहीं, तो मस्त अपने चिप्स खा लेंगे, और बाकी आज एलेक्स इंजेक्शन तो लग गया, बाकी डॉक्टर ने बोला है आई होप का तो उसको आराम मिल जाएगा, तो देखते हैं गाइस कल कैसे परफॉर्मेंस रहता है एलेक्स का, उसको आराम मिलता है नहीं मिलता, जो पैर में चलने दिक्कत हो रहा है तो वो चीज देखना पड़ेगा, कि कल मॉर्निंग में वॉक करने जाएगा तो समझ में आएगा कि इसको रिलीफ मिला है, मिला फिलहाल इंजेक्शन तो लग गया तो रेस्ट कर रहा है सो रहा है, तो इसको सोने देते हैं, बाकी आज का दिन बड़ा टेंशन वाला हो गया था यार, आई होप बस चारों कल ठीक हो जाए, तो देखते हैं गाइस कल क्या होता है, तो ठीक है मिलेंगे आप लोग कल, इस व्लॉग को आज मैं एंड करता हूँ, आज का व्लॉग अच्छा लगाओ अच्छा वीडियो करेगा लाइक, चैनल करेगा सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।